कौमी परचम लहराया गया अरविंद केजरीवाल के जरिए। यहाँ पर नेशनल सॉन्ग आपने सुना और उसके बाद तिरंगा लहराता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। परेड की सलामी भी अरविंद केजरीवाल लेंगे और यहीं से इस खास प्रोग्राम का जो अहतमाम है, जो उस आगाज है, वो होता हुआ नजर आएगा। अरविंद केजरीवाल ने अब कौमी परचम बुलंद कर दिया है, तिरंगा लहरा दिया गया अरविंद केजरीवाल के जरिए। ये खास तकरीब छत्रसाल स्टेडियम से इस वक्त बराह रास्त आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सलामी का वक्त और बेहद फख्र का ये लम्हा हर हिंदुस्तानी के लिए। तिरंगा जब लहराता हुआ नजर आता है तो वो जो हुब्बुल वतनी का जज्बा हमारे दिलों में होता है, 365 दिन हिंदुस्तानी होने पर जो फख्र महसूस किया जाता है, वो इन्हीं खास लम्हात के लिए, इन्हीं दिनों के लिए रखा जाता है और खास तौर पर इन तकरीबात का अहतमाम कर उसका ही इजहार करने की कोशिश की जाती है। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। परेड की सलामी लेते हुए भी अब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर नजर आएंगे। परेड कमांडर एसीपी 6 तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। ये तस्वीरें लाल किले की। सबसे पहले पीएम मोदी राजघाट पहुंचे, वहां पर बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया और उसके बाद आगे का जो सफर था उसे तय किया और अंत में खिताब करते हुए पीएम मोदी नजर आए। आपको बता दें कि खिताब में कई अहम बातें आज पीएम मोदी ने की और उन्होंने यहाँ पर जो मौजूद लोग थे उनसे मुलाकात की। पीएम मोदी के आज खास मेहमान पहुंचे थे, लगभग 1800 मेहमान पीएम मोदी के दावत पर पहुंचे थे और वो कोई वीआईपीज नहीं थे, वो कोई मंत्री नहीं थे, वो आम लोग थे, वो किसान थे, असतिजा थे, पंच, सरपंच, नर्स, मछुआरे, इन्हें दावत दी गई थी ताकि वो भी मुल्क का एक हिस्सा है और इस बात पर उन्हें फख्र महसूस हो, उन्हें यह एहसास कराया जाए कि वो किसी से कमतर नहीं, कोई